नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत के अपराध लाइट न्यूज चैनल। बढ़ते हैं इस वक्त की खबर की ओर। कोटा से हजरत अनवर खान रहमतुल्लाह अलैह लोरी वाले बाबा का 3 दिवसीय उर्स धूमधाम से मनाया। कोटा से असलम रोमी की खास रिपोर्ट। अब खबर विस्तार से। कोटा, हमें ऐसा पैगंबर रब ने दिया, बोलो हैदर कलंदर अली अली, दममदार बेड़ा पार, मेरे देश का बच्चा बच्चा सदा रहे आबाद, मेरा भारत जिंदाबाद जिंदाबाद, जैसी कई कव्वाली कोटा के युवा कव्वाल अबरार हसन ने पेश की। मौका था हजरत अनवर खान रहमतुल्लाह अलैह लोरी वाले बाबा के सालाना 3 दिवसीय मुबारक उर्स का, जो कि ग्रामीण पुलिस लाइन बोरखेड़ा में आज कुल की रस्म के साथ सम्पन्न हुआ। उक्त जानकारी देते हुए उर्स कमेटी के सदर हुसैन भाई कार बाजार वाले ने बताया कि हजरत अनवर खान साहब के 3 दिवसीय उर्स के दौरान 7 अप्रैल को चादर पेश की गई, वही दी 8 ऑफ अप्रैल को दोपहर 3 से 9 बजे तक कव्वाली आयोजित की गई, जिसमें कपासन से आए कव्वाल सलीम साबरी ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। वही शुक्रवार शाम को 5 बजे कोटा के जाने माने युवा कव्वाल अबरार हसन ने एक से बढ़कर एक निस्बती कलाम पेश किए। वही रात 9 बजे कुल की रस्म अदा की गई, जिसमें बाबा के मुबारक आस्ताने पर कुल का रंग हुआ, जिसमें सभी अकीदतमंद लोग मस्त मगन हो गए। वही पूरी अकीदत से देश में फैल रही कोरोना महामारी को देखते हुए देश में खुशहाली व अमन चैन की दुआएं की गई। इस मौके पर गद्दी नशीन रफीक बाबा अब्दुल सलाम ने उर्स कमेटी के सदर हुसैन भाई, अब्दुल कलाम सेक्रेटरी, मुश्ताक भाई, कालू भाई, मोहम्मद हुसैन, समाज सेविका बानो बाई जैसे लोगों का पगड़ी पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया। वही रात को सभी लोगों के लिए लंगर का इंतजाम किया गया। आयोजन में राज्य सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया।